और अब आपको दिखाते हैं इस वक्त की 100 बड़ी खबरें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कर्नाटक में किया सबसे बड़ा रोड शो, पीएम के दीदार के लिए जुटे हजारों लोग। रोड शो के बाद दो जनसभाओं को भी संबोधित करेंगे पीएम मोदी, कुछ देर में बादामी और हावेरी में रैली। ओवैसी का पीएम मोदी पर निशाना, ट्वीट कर साधा निशाना, कहा चुनाव जीतने के लिए लेना पड़ रहा है प्रोपेगेंडा फिल्म का सहारा। कर्नाटक के चुनावी रण में पहली बार उतरेंगी सोनिया गांधी, हुबली धारवाड़ में आज करेंगी चुनाव प्रचार, मंच पर राहुल गांधी भी रहेंगे मौजूद। कर्नाटक में आज राहुल गांधी भरेंगे ओंकार, बेलगावी के यमन कमरदी और चिक्कोडी में करेंगे जनसभा। कर्नाटक में जोर शोर से चुनाव प्रचार में जुटे केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह, चिक्कोडी और बेलगावी में रोड शो। बेलगावी में अमित शाह का संबोधन, कहा कांग्रेस ने हमेशा किसानों के साथ अन्याय किया। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ भी कर्नाटक में कर रहे हैं चुनाव प्रचार, दो रोड शो और जनसभा को करेंगे संबोधित। राजौरी में शहीद सैनिकों को दी गई श्रद्धांजलि, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जम्मू से राजौरी पहुंचे। राजौरी में सेना के जवानों से मिले रक्षा मंत्री राजनाथ, आर्मी बेस कैंप में जवानों से की बातचीत। राजौरी में सुरक्षा बलों ने घेराबंदी की, एक आतंकी मारा गया, हेलीकॉप्टर से पूरे इलाके में सर्च ऑपरेशन, बारामूला में भी एक आतंकी ढेर। राजौरी में एनकाउंटर के बाद जम्मू कश्मीर में हाई अलर्ट, आने जाने वाले हर शख्स की हो रही तलाशी। मुख्तार अंसारी पर टला फैसला, एमपी एमएलए कोर्ट 20 मई को सुनाएगा फैसला। गैंगस्टर टिल्लू ताजपुरिया की हत्या मामले में कार्रवाई, 9 जेल कर्मी निलंबित। असम के सीएम हिमंता बिस्वा का कांग्रेस पर निशाना, सिद्धरमैया डीके शिवकुमार को टीपू सुल्तान का वंशज बताया। मणिपुर में हिंसा के बाद अब कई इलाकों में हालात सामान्य, अब तक सिर्फ 5 थाना क्षेत्रों में हिंसा का दायरा। मणिपुर के हिंसाग्रस्त इलाकों में सेना ने संभाला मोर्चा, 1000 पैरामिलिट्री के जवानों की तैनाती। मणिपुर की राजधानी में सुरक्षा बल चौकस, इम्फाल के कई इलाकों में सुरक्षा बलों का फ्लैगमार, चप्पे चप्पे पर निगरानी। एससीओ बैठक के बाद विदेश मंत्री की चीन पाकिस्तान को खरी खरी, बोली अगर पाकिस्तान से बात हुई तो पीओके खाली कराने पर होगी बात। देश में एक दिन में घटे सबसे ज्यादा कोविड के सक्रिय मामले, एक दिन में नीचे आए 3000 से ज्यादा मामले, स्वास्थ्य मंत्रालय ने आंकड़े जारी किए। पटना में धीरेन्द्र शास्त्री के कार्यक्रम की तैयारी तेज, जर्मन हैंगर की मदद से बनाए जा रहे पंडाल, 13 से 17 मई तक कार्यक्रम। बिहार के जमुई में पुलिस ने बरामद किए 15 किलो आईईडी, जंगल में छुपाकर रखा गया था विस्फोटक। उत्तराखंड के उधमसिंह नगर में पकड़े गए 22 लाख रुपए के नकली नोट, पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। यूपी के सोनभद्र में अवैध शराब की बड़ी खेप बरामद, हरियाणा से बिहार भेजी जा रही थी शराब, पुलिस ने 3 तस्करों को पकड़ा। हरियाणा के रेवाड़ी में स्कूल के प्रिंसिपल ने 7वीं के छात्र की बेरहमी से पिटाई की, पुलिस ने दर्ज किया मामला। हरियाणा के कैथल में टीचर ने 3 साल की बच्ची को बुरी तरह पीटा, बच्ची के परिवार ने दर्ज कराई शिकायत। शामली के एक स्कूल में हुई लाखों की चोरी, पुलिस ने बरामद की चोरी की रकम, 2 आरोपी गिरफ्तार। उत्तराखंड के अल्मोड़ा में पुलिस ने एक चोर को पकड़ा, बैंक का ताला तोड़ते हुए पकड़ा गया। राजस्थान के हनुमानगढ़ में कार सवार बदमाशों ने नाबालिका किया अपहरण, सामने आया वीडियो, आरोपियों की तलाश में जुटे पुलिस। यूपी के बहराइच में बीजेपी के उम्मीदवार पर लगा बूथ कैप्चरिंग का आरोप, पुलिस ने 3 लोगों पर एफआईआर दर्ज की। यूपी के हरदोई में बीजेपी और निर्दलीय प्रत्याशी के समर्थकों में झड़प, जमकर हुआ पथराव, 4 लोग अस्पताल में भर्ती। मऊ में चुनाव प्रचार के दौरान बीएसपी उम्मीदवार का विरोध, लोगों ने विरोध में नारे लगाए। उत्तराखंड के रामनगर में भीषण सड़क हादसा, पुल के नीचे गिरी रोडवेज बस, ड्राइवर की मौत, 8 घायल। यूपी के फर्रुखाबाद में गंगा नदी में बहे एक ही परिवार के 3 लोग, 2 लोगों की तलाश जारी। जालौन में सड़क हादसे में एक महिला की मौत, ट्रक को ओवरटेक करते वक्त बाइक फिसलने से हादसा। बिहार के जहानाबाद में शादी समारोह में जोरदार हंगामा, जयमाला के दौरान हुई मारपीट, महिला समेत 4 लोग बुरी तरह घायल। यूपी के इटावा में शादी के दौरान दूल्हे को आया मिर्गी का दौरा, दुल्हन ने शादी से इनकार किया, वापस लौटाई बारात। आगरा में शादी के दौरान दो पक्षों में मारपीट, कई लोग हुए घायल, सामने आया वीडियो। राजस्थान के अलवर में रिहायशी इलाके में घुसा भालू, वन विभाग ने कड़ी मशक्कत के बाद किया रेस्क्यू। यूपी के अमरोहा में रिहायशी इलाके में दिखे 3 तेंदुए, वन विभाग की टीम ने 1 को पकड़ा। महाराष्ट्र के रत्नागिरी में केमिकल फैक्ट्री में नाइट्रोजन गैस के रिसाव से हादसा, फैक्ट्री में लगी भीषण आग। मुंबई से सटे थाने में फर्नीचर दुकान में लगी आग, अज्ञात कारणों से लगी आग, फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पाया। जालौन में पुलिसकर्मी ने लोगों को दी गाली, सामने आया वीडियो। लखनऊ में एक शख्स ने युवती को बुरी तरह पीटा, आरोपी की तलाश में जुटी पुलिस। राजस्थान के धौलपुर में चलती कार में लगी आग, समय रहते कार से बाहर निकले कार सवार, सभी सुरक्षित। उदयपुर में कार में लगी आग, कार सवार ने बचाई अपनी जान, जलकर राख हुई गाड़ी। राजस्थान के कोटा में पानी की टंकी पर चढ़ा शख्स, सरपंच पर लगाया भ्रष्टाचार का आरोप, मामले की जांच में जुटी पुलिस।
यूपी के आजमगढ़ में देह व्यापार कराने वाली महिला गिरफ्तार, नाबालिगों को बहलाकर कराती थी देह व्यापार। राजस्थान के भीलवाड़ा में युवक ने ट्रैक्टर ट्रॉली की चोरी की, पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया, ट्रैक्टर ट्रॉली बरामद। झारखंड के जमशेदपुर में अज्ञात अपराधियों ने ऑटो चालक की हत्या की, आरोपियों की तलाश में जुटी पुलिस। बिहार के आरा में शादी में हर्ष फायरिंग के दौरान युवक को लगी गोली, गंभीर रूप से घायल हुआ युवक। यूपी के हमीरपुर में बेतवा नदी में कूदा युवक, पुल से लगाई छलांग, युवक की तलाश जारी। यूपी के मऊ में पति ने गला काटकर पत्नी की हत्या की, अवैध संबंध के शक में मौत के घाट उतारा। ब्रिटेन के राजा किंग चार्ल्स की कुछ देर में होगी ताजपोशी, वेस्टमिंस्टर एबे में मेहमानों का पहुंचना जारी, भारत के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ भी होंगे शामिल। दुनिया भर से लंदन पहुंचे मेहमान, किंग चार्ल्स III की ताजपोशी में होंगे शामिल। ब्रिटेन के किंग चार्ल्स ने एक राष्ट्रमंडल देशों के नेताओं से की मुलाकात, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक भी मौजूद रहे। ब्रिटेन के राजा के रूप में ताजपोशी से पहले जनता से मिले चार्ल्स III, बकिंगम पैलेस के बाहर लोगों का अभिवादन किया। प्रिंस एंड प्रिंसेस ऑफ वेल्स ने भी किया जनता का अभिवादन, लंदन में कार्यक्रम से पहले चाहने वालों से मुलाकात की। किंग चार्ल्स की ताजपोशी से पहले लंदन में बढ़ाई गई सुरक्षा, जगह जगह सिक्योरिटी चेक जारी। लाइट से जगमगाई यूके की राजधानी लंदन, किंग चार्ल्स की ताजपोशी के लिए शहर में खास सजावट। किंग चार्ल्स के राज्याभिषेक के लिए लंदन पहुंची अमेरिका की फर्स्ट लेडी जिल बाइडेन, समारोह में करेंगी अमेरिका की नुमाइंदगी। लंदन में राज्याभिषेक के लिए की गई फाइनल रिहर्सल, गोल्डन कोच के साथ घोड़ों ने की फाइनल प्रैक्टिस। अमेजॉन फंड की घोषणा से पहले ब्रिटिश पीएम सुनक से मिले ब्राजील के राष्ट्रपति लुला डी सिल्वा, ब्रिटेन कितना दान देगा ये अभी साफ नहीं। लंदन के हीथ्रो एयरपोर्ट पर सुरक्षा कर्मचारियों की हड़ताल, बेहतर वेतन की मांग के साथ 14 कर्मचारियों ने दिया 3 दिन का धरना। पाकिस्तान, अफगानिस्तान और चीन के विदेश मंत्री इस्लामाबाद में करेंगे त्रिपक्षीय वार्ता, 2 दिन के पाकिस्तान दौरे पर पहुंचे चीन के विदेश मंत्री। पाकिस्तान के स्कूल में मारे गए शिक्षकों को लोगों ने दी अंतिम श्रद्धांजलि, गोली मारकर की गई थी हत्या। चीन के राजनयिक को निष्कासित कर सकता है कनाडा, एक कैनेडियन सांसद को निशाना बनाने पर हो सकती है कार्रवाई। जापान में भूकंप ने मचाई तबाही, 6.5 दर्ज की गई भूकंप की तीव्रता, 1 की मौत। कोरोना को लेकर वैश्विक स्वास्थ्य आपातकाल खत्म, WHO ने किया ऐलान, लेकिन खत्म नहीं हुआ है कोविड का खतरा। सूडान की राजधानी खार्तूम में लोगों का हाल बेहाल, लोगों तक स्वास्थ्य सेवाएं पहुंचाना हुआ मुश्किल। यूक्रेन की सेना ने जारी किया बाखमुत में लड़ रहे यूक्रेनी सैनिकों का वीडियो, रूसी ठिकानों पर बमबारी करते नजर आए यूक्रेन के सैनिक। बखमुत की जंग को लेकर यूक्रेन का दावा, रूस पर लगाया वैगनर लड़ाके भेजने का आरोप। यूक्रेन ब्लैक सी निर्यात डील पर लटकी तलवार, अधिकृत नहीं किए गए नए जहाज, रूस ने डील छोड़ने की धमकी दी। अमेरिका के लॉस एंजलिस में 3 मंजिला इमारत में लगी भीषण आग, फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू किया। अमेरिका के टेक्सस में केमिकल प्लांट में लगी भीषण आग, 2 घायलों को किया गया रेस्क्यू। ग्वाटेमाला में ज्वालामुखी फटने के बाद दिखा धुएं और लावे का गुबार, ज्वालामुखी के आसपास के इलाके को खाली कराया गया। कांगो में बाढ़ की वजह से 200 लोगों की मौत, मानवीय संगठन रेडक्रॉस दे रहा मदद। लंदन की एक ट्यूब ट्रेन में आग का अलर्ट, शीशे तोड़कर बाहर निकले लोग, सभी यात्री सुरक्षित। अमेरिका के एनापोलिस शॉपिंग सेंटर में हुई गोलीबारी, 3 लोगों की मौत, मामले की जांच में जुटी पुलिस। न्यूयॉर्क मेट्रो में युवक की हत्या को लेकर प्रदर्शन, लोगों ने इंसाफ की मांग की। मेक्सिको में सिंको डे मेयो का जश्न, 1862 में फ्रांसीसी साम्राज्य पर मेक्सिको की जीत को किया याद। पाकिस्तान जू में शेर के शावक बने लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र, शावकों को देखने के लिए बच्चों में खासा उत्साह। स्पेन के बार्सिलोना में स्पाइडरमैन की तरह इमारत पर चढ़ा शख्स, जलवायु परिवर्तन को लेकर जागरूकता बढ़ाने के लिए स्टंट किया। नीरज चोपड़ा ने दोहा डायमंड लीग में जीता गोल्ड, 2 बार गोल्ड जीतने वाले पहले भारतीय बने। पीएम मोदी ने दी नीरज चोपड़ा को बधाई, दोहा डायमंड लीग में गोल्ड जीतने पर बधाई दी। तीरंदाजी एशिया कप स्टेज 2 में भारत का डंका, भारत ने जीते 9 मेडल। आईपीएल में सीएसके और मुंबई इंडियंस के बीच होगा पहला मैच, दोपहर 3:30 बजे से शुरू होगा मुकाबला। आईपीएल में आज का दूसरा मुकाबला दिल्ली और बैंगलोर के बीच होगा, शाम 7:30 बजे खेला जाएगा मैच। आईपीएल में गुजरात ने राजस्थान से जीता मुकाबला, एकतरफा मैच में 9 विकेट से राजस्थान को मात दी। राजस्थान को हराकर गुजरात ने प्लेऑफ की ओर बढ़ाया एक और कदम, 14 पॉइंट्स के साथ टॉप पर बरकरार। लखनऊ ने केरल केएल राहुल के रिप्लेसमेंट का ऐलान किया, करुण नायर को मिली स्क्वाड में जगह। चौथे वर्ल्ड ओडीआई मैच में पाकिस्तान ने न्यूजीलैंड को मात दी, 102 रन से हराया मैच। बाबर आजम ने रचा इतिहास, वनडे इंटरनेशनल में सबसे तेज 5000 रन पूरा करने वाले खिलाड़ी बने। वनडे रैंकिंग में टॉप पर पहुंचा पाकिस्तान, न्यूजीलैंड को चौथा वनडे हराकर हासिल किया पहला फायदा। फिल्म द केरल स्टोरी ने बॉक्स ऑफिस पर की शानदार शुरुआत, पहले दिन 7.5 करोड़ रुपए का कलेक्शन किया।
एक्ट्रेस डेजी शाह करेंगी टीवी पर डेब्यू, खतरों के खिलाड़ी 13 में बतौर पार्टिसिपेंट नजर आएंगे। आर्या 3 के लिए सुष्मिता सेन सीख रही हैं तलवारबाजी, ट्रेनर के साथ शेयर किया प्रैक्टिस का वीडियो। मुंबई में सिनेमा हॉल के बाहर स्पॉट हुए एक्टर ऋतिक रोशन, गर्लफ्रेंड और बेटे भी साथ आए नजर। एक्टर अजय देवगन की फिल्म मैदान की रिलीज डेट में हुआ बदलाव, मेकर्स जल्द करेंगे नई रिलीज डेट का ऐलान। फिल्म आजम का ट्रेलर हुआ रिलीज, फिल्म में नजर आएंगे जिमी शेरगिल, 19 मई को रिलीज होगी फिल्म। Z News.